कि ये वो लोग थे जिनके सामने वही नाजिल हुआ करती थी, कि सबसे बेहतरीन वही जानते थे क्योंकि वो सामने उनके वही आती थी, अल्लाह के उनको सुनाते थे, तो इसलिए भी चलना ज़रूरी है कि उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। कोई चीज़ हमारे सामने अगर बनेगी तो सबसे बेहतरीन हम उसको समझेंगे कि दूसरा समझेगा, वही समझेगा जिसके सामने उसको बनाया गया है। तो उनके सामने वही आती थी, नाजिल हुआ करती थी, इसलिए वो बेहतरीन तरीके से उसको समझते थे। और इनके लिए, इनके इस्लाह के लिए, इनके सवालों पर और इनकी जो है अगर कुछ गलतियां इनसे हो जाती थी तो उसके लिए अल्लाह वही नाजिल करता था। और कई मिसालें कुरान के अंदर कि इनके लिए आयतें नाजिल की गई। हजरत उमर ने कोई बात रखी अल्लाह के रसूल सल्लम को और फौरन वही आ जाती थी, यानी सीधा अल्लाह गाइड कर देता। ये नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि क्योंकि इनकी फजीलत है सहाबा की, ऐसा भी नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लम कोई बात कही फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने किया अल्लाह से जो है अल्लाह तक उसको पहुँचाया कि अल्लाह इन्होंने सवाल किया, वैसे ही जिब्रील सलाम अमीन लेकर जो है वही लेकर आ जाते थे। और ऐसी सहाबियात भी गुजरी हैं, सूरह मुजादला अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक सहाबियात आई थी, वो जो मसला था वो तलाक का, जो उनकी शोहर ने उनको तलाक दे दिया था कि तू मेरी जो है माँ जैसी, तो उसी वो अल्लाह के रसूल सल्लम से कह रही, अल्लाह के रसूल को मसला भी पता नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर भी अल्लाह से नहीं कहा, उससे पहले वो जो है गिड़गिड़ा रही थी, बार बार कह रही थी, तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आ गए, सूरह मुजादला की आयत नाजिल हो गई और आकर वहाँ पर बतला दिया कि यही है इसका मसला है। तो ये वो सहाबी और सहाबियात है जिनके कहने पर और जिनके मसले पर वही आया करती थी, तो इसलिए इनके तरीके पर चलना सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरी है।